नगर निगम सहित जिले के अन्य नगरीय निकायों के कर्मचारी शुक्रवार को रहे एक दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर, कामकाज रहा ठप। शुक्रवार को पूरे प्रदेश के साथ रीवा जिले के नगर निगम के कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर रहे और अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से नगर निगम का कामकाज ठप हो गया। इनकी मुख्य मांगे हैं कि नगरीय निकाय के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सफाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए, समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए, दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए, साथ ही निकायों के सेवा भर्ती नियमों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के पद समाहित किए जाएं। इसके अलावा अन्य मांगे हैं जिनको लेकर वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। संघ के बैनर तले प्रदेश व्यापी जो आंदोलन चल रहा है, इसमें सातवां वेतनमान जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लागू किया है वो आप विसंगत पूर्ण है, जिससे किसी भी नगर निगम नगर पालिकाओं को इसका लाभ न मिल पाएगा, जिसमें गवर्नमेंट को साफ स्पष्ट आदेश करना पड़ेगा कि सातवां वेतनमान जैसे हर विभागों में लागू किया गया है, शेष उसी प्रकार नगर निगम नगर पालिका कर्मचारियों को भी सातवां वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसी तरह अन्य और सात सूत्री मांगे हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटरों का है और सफाई कर्मचारियों का है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का है, यही सब मांगे हैं। कितने दिन तक चलेगी ये? आज हमारा सांकेतिक आंदोलन है, इसके बाद एक तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। तो हम लोगों ने पिछले करीब 5-6 महीना पहले प्रदेश भोपाल में बहुत बड़ा हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उसमें कोई भी निर्णय डिसीजन नहीं लिए हैं, और जो भी लिए हैं उससे हम नगरी निकाय कर्मचारियों को उससे कोई हित नहीं होने वाला है। जिस परिपेक्ष में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी ने कई बार नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह जी से भी मुलाकात हुई, ज्ञापन दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उसमें समझौता ऐसा नहीं किया गया जिसपे हमारे नगर निकाय कर्मचारियों को साथ में वेतनमान का लाभ मिले, समयमान वेतनमान मिले, कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्तिकरण के लिए। इस तरह के कुल 7 मांगे हैं हम लोगों की, जिसमें अभी तक जब निर्णय नहीं लिया तो हमारे प्रदेश संगठन ने यह अंतिम निर्णय लिया है कि आज 20 अप्रैल को एक दिवसीय पूरा मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय बंद रहेगा। इसके बावजूद भी अगर प्रदेश सरकार इसमें कोई संशोधन और हमारी लोगों को मांगों को नहीं माना तो हम लोग 1 मई से अनिश्चितकालीन तक के लिए 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे।